Hello children, I am today going to continue chapter 1. Today's topic is dispersal of seed. In the previous video we talked about transplantation and germination. Today we are going to talk about what is dispersal of seed and how do seeds grow from one place to another. Plants generally produce many seeds. If all seeds were to grow near the mother plant, it would lead to an overcrowding of young plants. यानी कि बच्चों ये अगर कोई भी seeds जो है, अगर मान लीजिए कि कोई पेड़ है उसके पास आसपास जो बहुत सारे seeds गिरते हैं, अगर वो grow करते हैं तो parent plant के पास overcrowding हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी नए पौधों की. And all these young plants with not survive because they would not get enough light, food and water and space to grow. यानी कि बहुत ज़्यादा एक जगह पे grow करने के कारण क्या होगा कि ये जो young plants हैं वो proper तरीके से grow नहीं कर पाएंगे because they will not get proper light, proper food, water and proper space. क्योंकि एकदम पास में grow होने से क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे और उन्हें कोई भी nutrients जो है वो proper तरीके से नहीं मिलेगी. And if they do not get proper light, water, they cannot prepare their own food. Many of these plants will die. To overcome this problem, nature has provided some agents to scatter this seed. यानी कि ये प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए प्रकृति एक अद्भुत गिफ्ट है जो कि हमें मिला हुआ है. प्रकृति अपने आप में हर चीज़ को बैलेंस करके रखती है, तो नेचर ने ऐसा कुछ एजेंट्स प्रोवाइड कराए हैं ताकि बीजों का जो स्थानांतरण है वो एक जगह से दूसरी जगह हो पाए. सो दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल. यानी कि बीजों का अपने मदर प्लांट से दूर जाकर बिखरना, इट इज़ कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड. Dispersal of seed occurs in many ways. Let us see how dispersal of seed occurs. यानी किस प्रकार से ये सीडों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह होता है. By wind, seed of some plants like cotton, madar, hiptage, drumstick are small, light and have wings or hair. यानी कि ऐसे जो भी examples मैंने अभी आपको दिए हैं, इन सब पौधों के जो सीड्स हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं और उनके बीज के आसपास विंग्स बने होते हैं जिसके कारण वो आसानी से हवा के साथ वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. तो बच्चों याद रखोगे, यानी कि विंड जो है एक प्रकार का एजेंट है जो कि बीजों के स्थानांतरण में, इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड इट हेल्प्स. ओके, द नेक्स्ट एजेंट इज़ वाटर. The plants which grow along the bank of river, streams or sea disperse their seed by the flow of water. यानी कि ऐसे पौधे जो नदी के किनारे, छोटी नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे उगते हैं, वो पौधे क्या करते हैं, उनके अंदर जो dispersal of seed है that take place with the flow of water. यानी कि इसके जो बीज है पानी के बहाव के साथ बहकर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और वहाँ जाकर किनारों पे लग जाते हैं और इस प्रकार से एक जैसे दूसरे पौधे भी अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं. आपने कभी सोचा है कि किस प्रकार से अगर यहाँ पे कोई पौधा है तो हम दूसरी जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये पौधे मिलते हैं, रोड पे, खेतों में, इधर उधर जंगल में. तो क्या ये सारे प्लांट्स को ह्यूमन ने प्लांट किया हुआ है? ऐसा नहीं है बेटा. दिस इज़ बिकॉज द डिस्पर्सल ऑफ सीड टेक्स प्लेस. यानी कि इसके जो एजेंट्स होते हैं, विंड है, वाटर है, ये क्या करते हैं, बीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सीड ऑफ कोकोनट हैव फाइब्रस आउटर कोटिंग एंड द सीड्स ऑफ लोटस हैव स्पॉन्जी पार्ट सो दैट दे कैन ईजिली फ्लोट ऑन द वाटर. इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कोकोनट. कोकोनट क्या होता है, कोकोनट का जो आउटर सर्फेस है वो फाइब्रस कोटिंग होती है, जिसके फाइबर्स होते हैं जिसके कारण वो आसानी से पानी में तैरते हुए एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है. और बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली लोटस के जो
पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी स्पंजी होते हैं और वो भी आसानी से पानी पे तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों वाटर भी एक प्रकार का एजेंट्स है विच हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। देन नेक्स्ट सम एजेंट्स आर बाय एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के द्वारा भी सीड का डिस्पर्सल्स एक जगह से दूसरे जगह होता है। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ईट सर्टेन फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स। सम सीड्स हैविंग हुक्स और स्पाइक्स लाइक टू हेयरी स्किन्स ऑफ एनिमल्स और क्लोथिंग टू ह्यूमन बीइंग्स आर कैरीड अवे एट अ डिफरेंट प्लेस। यानी बच्चों कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको खाकर मनुष्य फेंक देता है या फिर जानवर खाकर फेंकते हैं या फिर वो खुद ही टूटकर गिर जाते हैं। तो ऐसे सीड्स जिनके अंदर हुक्स बने होते हैं, दे हैव हुक्स ऑन देयर सरफेस, और इसके कारण क्या होता है कि ये जो सीड्स हैं वो जानवरों के फर में, बाल में फंस जाते हैं या ह्यूमन के कपड़ों में फंस कर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, स्पीयर ग्रास है, जैंथियम है, टाइगर नेल सीड है। यानी कि ये बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो कि बालों में फंस कर या जानवर के बालों में फंस कर या फिर कपड़ों में फंस कर ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। देन लास्ट मेथड इज़ बाय एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट, यानी एक्सप्लोशन यानी कि फट जाना। एक प्रेशर से जब कोई चीज़ फूटती है तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोशन। यानी कि फ्रूट्स जब ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, अगर उन्हें तोड़ा ना जाए तो वो अपने आप ब्रस्ट हो जाते हैं और ब्रस्ट होते समय वो काफ़ी स्पीड से बिखर कर बहुत दूर दूर तक गिर जाते हैं और इसके द्वारा भी सीड्स का जो डिस्पर्सल है वो होता है। एज रिजल्ट दे आर थ्रोन अवे विद द फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ पी पॉड और स्क्वर्टरिंग कुकुम्बर, यानी कि जब खीरा फटता है तब, या फिर मटर की जो फलियां हैं वो फटती हैं तब, ये सब एक्सप्लोशन के कारण होता है। तो सो चिल्ड्रेन रिमेंबर दैट देर आर फोर एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड, विंड, वाटर, एनिमल्स एंड बाय एक्सप्लोशन। यानी कि ये सारे एजेंट्स जो हैं जो कि डिस्पर्सल ऑफ सीड में काफ़ी मदद करते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, प्लांट्स को हम और भी मेथड और भी कई तरीकों से हम पौधों का नया पुनर्जन्म सॉरी नॉट पुनर्जन्म इनका जन्म हम करा सकते हैं या फिर हम नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। बिसाइड ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, न्यू प्लांट्स आर आल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम, रूट्स, बल्ब, लीव्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स। यानी कि पौधे के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनके ओल्ड पार्ट्स जिससे हम नए पौधे को उगा सकते हैं। सम कॉमन मेथड्स ऑफ डेवलपिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट आर गिवन बिलो। ओके चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे कि सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम, यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके स्टेम को हम कट करके अगर लगा देते हैं तो देन इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जैसे कि शुगर कैन है, रोज है, हिबिस्कस है, मनी प्लांट। दीज प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम। गार्डनर ग्रो रोजेज बाय कटिंग स्मॉल पीसेस ऑफ स्टेम ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड प्लांटिंग देम इनटू द सॉइल। आफ्टर फ्यू डेज द कटिंग ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। सो दीज आर द अनदर मेथड्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देन नेक्स्ट इज सम प्लांट्स ग्रोइंग बाय लेयरिंग। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको हम ज़मीन के अंदर ऐसे उनकी पत्तियों को ढक देते हैं तो उसमें से नई पत्तियाँ निकल जाती है, ब्रांचेस, जैसे कि शकरकंद है, जासमीन है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग। बाय लेयरिंग वी कैन ऑल्सो ग्रो अ न्यू प्लांट्स। सो चिल्ड्रन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट ग्रोइंग ग्रास एंड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड वन मोर टॉपिक इज़ देयर, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड। सो चिल्ड्रन वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।